गूगल एडसन पिन को अप्लाई करने का आज मैं आपके साथ ऐसा ट्रिक शेयर करूंगी जिससे आपकी पिन 10 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी। तो आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हो रही है, वीडियो को फुल वॉच करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? तो ये है मेरे हाथ में गूगल एडसन की पिन। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें। आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई तो आपने वीडियो को फुल वॉच कर लेना। ये देखिए मेरे हाथ में ना एडसन की पिन है, गूगल एडसन की पिन। आपको पता है कि जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है ना, तो उसके बाद हम आइडेंटिटी वेरीफिकेशन करते हैं। आइडेंटिटी वेरीफिकेशन करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो है एड्रेस वेरीफिकेशन। एड्रेस वेरीफिकेशन इसी को कहते हैं जो कि हम पिन अप्लाई करते हैं ना, जब हमारा 6 डिजिट का कोड आ जाता है, हम इसको पुट करते हैं तो हमारा जो होता है ना एड्रेस, वो वेरीफिकेशन हो जाती है उसकी। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है कि मैंने इसको जल्दी जल्दी से, जैसे मुझे कॉल आई ना कि आपकी एडसन की पिन आ गई है, तो मैं इतनी खुश हुई, मुझे खुशी का ठिकाना नहीं था मिल रहा। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी आज सुबह ही आ गई पिन। तो आज जुमातुल मुबारक का इतना प्यारा और बाबरकत दिन था, यकीन करें मेरी मामा इतनी खुश हुई, उन्होंने मुझे फ़ौरन से कहा कि ये कॉल आई तो आपने इसको जल्दी से सुने। तो जब मैंने कॉल पिक की तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था रह रहा, क्योंकि मुझे पिन का सोच सोच के हैरत हो रही थी कि इतनी जल्दी कैसे आ गई, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि 15 दिन के बाद या फिर 3 हफ्तों के बाद ना पिन आपको मिलती है। अक्सर ऐसा होता है कि जो गांव के लोग होते हैं उनको तकरीबन 3-3 महीने बाद पिन मिलती है, वो रीसेंड करते जाते हैं 3 दफ़ा और नहीं होती। तो हम लोग सिटी में रहते हैं, शहर में रहते हैं, हमारे करीबी पास ही पोस्ट का ऑफिस है बड़ा, और बहुत ही आसानी से ना मुझे ये वाली पिन मिल गई। वीडियो को आपने काट काट के बिल्कुल भी नहीं देखना, ये बहुत ही छोटी सी वीडियो है, आपके बहुत ही काम आने वाली है। आगे जाके मैं ऐसा ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपकी जो पिन है ना गूगल की 10 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी। मैं इस साइड के ऊपर या फिर इस साइड के ऊपर ना स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा कि मेरी पिन जो वेरिफिकेशन हो चुकी है, मेरी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो चुकी है। जो एड्रेस वेरिफिकेशन होता है ना वो पिन वेरिफिकेशन ही होता है, ठीक है। ये देखिए मेरे हाथ में गूगल की एडसन की पिन है, माशाल्लाह से इसके अंदर 6 डिजिट का कोड था जो मैंने जल्दी से जाके एडसन को ओपन किया और उसके अंदर मैंने पुट करके उसको सबमिट कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से मेरी जो वेरिफिकेशन है कम्प्लीट हो चुकी है। बस मुझे पिन की टेंशन थी कि पता नहीं आएगी कि नहीं, बहुत से लोगों को सुना था कि इनके 3-3 महीने लग जाते, नहीं आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से ना मेरी पिन आ चुकी है। तो मैंने अब USA का टैक्स का फॉर्म फिल करना है अल्हम्दुलिल्लाह से, वो भी मैं कर लूँगी। और आप भी इस तरह से ना मोटिवेशनल वीडियो को देख के आपकी भी हौसला अफजाई होगी, इसलिए मैं छोटी सी वीडियो आपके लिए लेकर आई थी। इसके बाद जब बैंक का आएगा उसके बाद उसको भी पुट कर लेंगे, बैंक का जो ऑप्शन होता है। तो बैंक मैं आपको बताती हूँ कि मैंने सर्च किया था बहुत ज़्यादा, और तो सबसे ज़्यादा जो बेस्ट बैंक है ना वो UBL का बैंक ही है। इसके ऊपर मैं एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो बनाऊँगी ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल जाए। लेकिन मेरा अभी HBL में भी है तो UBL में मैं UBL ही इसके साथ लिंक करूंगी। तो उसके ऊपर ना बहुत ही थोड़ी कटौती होती है, अक्सर ये होता है कि मेरी एक फ्रेंड है उसका HBL में था तो उसके बहुत ज़्यादा ना 40,000 के करीब उसकी कटौती होगी जितनी भी उसने पेमेंट ली है ना। तो मैंने उनको कहा प्लीज़ आप UBL का करें, तो आज उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे बताया कि मैंने ना UBL का कर लिया है। तो मैं आज आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आई थी मोटिवेशनल, ताकि आपको बहुत ही हौसला अफजाई मिले और आप भी अच्छे तरीके से काम कर सकें। ये वाली पिन देखें आपके सामने है, इस पिन को देखने के लिए सब तरसते हैं। चले जी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे देखें मेरे पास पिन है माशाल्लाह से। देखें मैंने जल्दी जल्दी से, मैंने सब्र नहीं किया इसको, जैसे ही आई मुझे खुशी का ठिकाना नहीं था, मैंने ना इसको साइडों से जल्दी से ओपन कर लिया। आप देख सकते हैं कि मैंने जल्दी से ना साइडों से इसको ओपन कर लिया, मुझे इतनी खुशी हो रही थी। मैंने कहा जल्दी से, मैंने ना जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन तो मेरी हो चुकी है, वो आपको पता है कि आईडी कार्ड पे, शनाख्ती कार्ड पे होती है, और जो एड्रेस वेरिफिकेशन होता है वो दरअसल यही होता है। गूगल की तरफ जो पिन आती है ना, हमें 6 कोड आते हैं 6 डिजिट, इसको ही कहते हैं एड्रेस वेरिफिकेशन। जब हम इसको पुट कर देते हैं तो हमारा एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाता है, वो जो कम्प्लीट हो जाता है। मैंने इसके ऊपर ना पिन के ऊपर जो वेरिफिकेशन हमारी कम्प्लीट हो जाती है, मैंने इसकी स्क्रीनशॉट लगा दिया था और यहाँ पे भी लगा देती हूँ। तो देखें ये सारा इसके ऊपर हम उन्होंने लिखा होता है कि आपने ऐसे ऐसे करना है और आपका सारा मामला जो दुरुस्त हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बहुत परेशान थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये जल्दी से मुझे दिन दिखा दिया। और आपको ये वाली ट्रिक मैं बताती जाऊँ कि आपने किस तरह से अपनी गूगल एडसन की पिन को अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो आपने एडसन के अंदर, एडसन जब हम अकाउंट बनाते हैं ना, तो आपने उसके अंदर नंबर लाजमी लिखना है, अपना मोबाइल नंबर आप लाजमी लिखेंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि डाक अंकल ने मुझे बताया कि बहुत बहुत दिन पड़ी रहती हैं, वो डस्टबिन में फेंक देते हैं या फिर मिलती नहीं, और लोग बहुत ही परेशान होते हैं। तो ये बिल्कुल भी इसके ऊपर एड्रेस पूरा नहीं लिखा होता, नंबर लिखा होगा ना तो आपको बहुत ही जल्दी से मिल जाएगा। आपने वो मोबाइल नंबर लिखना है जो कि बहुत ही आपके पास हर टाइम रहता है और ना चलता रहता है, ये ना हो कि आपने जो बंद मोबाइल नंबर वो दे दिया हो तो बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो आपने मोबाइल नंबर याद से वो देना है जो आपका हर टाइम ऑन रहता है। तो आज की ट्रिक आपको कैसी लगी, और बहुत ही दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।